किसको बाबा की बबूति का सुख मिला है सजन, दोनों हाथ खड़े करके बताना। जिसके शरीर में बाबा की बबूति से फर्क पड़ा हो, क्या बात है, बहुत है। इतना तो 90% हो गए, 10% आदमी बचे, और उनका भी भला हो जाएगा। मन सही रखियो, मन में विश्वास रखियो, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना बाबा के प्रति। दोनों हाथ खड़े करो, देव के दरबार में मन से चक्कर लगाओ, बोलिए जोतराम महाराज की। और बता दूं, एक भगतनी तोड़े इसी बैठी है भाई, शरीर में ऐसा रोग आया कि खड़ी और चक्कर आ जाए, खड़ी और चक्कर आ जाए, क्यों कोई दिक्कत हो गई शरीर के अंदर भाई। डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया भाई, वो जो बैद बैद होया करो, रगड़न वाले मसल वाले, उनको भी दिखाया, उससे भी आराम नहीं हुआ। मेदांता में एडमिट होगी, वहां भी आराम नहीं हुआ। फिर एक दिन बाबा के दरबार में बैठ कर रोई, और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि उसकी आंखों से वो सारा दुख, जितना दर्द था, वो सारा का सारा दर्द आंसुओं के बट बह गया। ये झूठी बात नहीं है, ये तो 5-10 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मन से बोलो जोतराम जी महाराज की। और वो भगतनी आप लोगों के बीच में बैठी है, आज उसको कोई रोग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, एकदम से चकाचक, अब उसको कोई चक्कर नहीं आता। बोलो जोतराम जी महाराज की। नाम तो मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ठीक नहीं है सबके बीच में नाम लेना, नहीं तो सारे उससे के जा चपटेंगे, फिर भगत जी ने छोड़ दी सारे काम, हर भगत जी लोगों का। मन से बोलो श्री जोतराम जी महाराज की। ए मेरी निर्मल होगी काया, ये पापा जोतराम के आके। भाई मीठी मीठी तालियां बजाना और झूम के नाच के इस भजन को गाना सभी बहनों को, कैसे। ए मेरी निर्मल होगी काया, ये पापा जोतराम के आके।
राम जी महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की, बाबा के प्यार की जय हो।